are you? Friends, Ekta CD class of fashion designing 1 year step course mein aapka bahut bahut swagat hai friends. How are you friends? I wish you and your family is safe with virus in our country and world. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी टेक्सटाइल पार्ट 3 के बारे में. तो फ्रेंड, मैंने अपने पहले के वीडियो में आपसे टेक्सटाइल पार्ट 1 के बारे में बात की थी, जिनके वीडियो आप देख लीजिएगा. और अब मैं बात करती हूँ पार्ट 3 की. तो फ्रेंड्स, टेक्सटाइल में कपड़े के ऊपर हम जो भी काम करते हैं तो वही इसके अंतर्गत आता है. तो जो मैंने अपनी हैंगेज में एम्ब्रॉयडरी, फैब्रिक पेंटिंग और टाई एंड डाई वाली जो अपने फैब्रिक्स में टेक्सटाइल यूज की थी वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ. और इसके पार्ट 3 में टेक्सटाइल मिल्स में इन डिजाइनों को कैसे सेलेक्ट करके कपड़ों में उसको उतारा जाता है, यही टेक्सटाइल पार्ट 3 में बताया जाता है. तो फ्रेंड्स, 2-3 फाइलें जो बनी थी वो पूरा मैटर इसमें ऐड हो जाता पार्ट 3 में, इसलिए मैं इसके दो टॉपिक्स को लेके वीडियो बना रही हूँ. तो ओके, लेट्स गो. तो फ्रेंड्स, इसका देखिए जो टॉपिक्स है, तो इसमें हम अभी आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ लाइन और डिजाइन वाइज के बारे में ही बात करने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए जो बेसिक डिजाइन आइडिया होता है उसी का रूल को फॉलो करते हुए हम इस के पार्ट 3 में काम शुरू करेंगे. तो ये क्लॉथ है फ्रेंड्स एक, और इसमें हम टाइप्स ऑफ लाइन के थ्रू जो इसमें डिजाइन का काम होता है उसी को आगे बढ़ाएंगे. तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लॉथ में हॉरिजॉन्टल लाइन को शो किया गया है, इसके बाद वर्टिकल लाइंस को शो किया गया है क्लॉथेज में, और फिर ये डायगनल लाइन है, फिर उसके बाद ब्रोकन लाइंस कपड़े में शो किया गया है, फिर इसका अंगला मैटर जो है, अंगला टाइप्स जो है जिग-जैग पैटर्न है, उसके बाद डबल लाइन है, फिर इसके बाद स्क्वायर शेप है, स्क्वायर लाइन है, इसके बाद ये डॉट लाइन है, फिर ये लेफ्ट एंड राइट ड्राई ब्रश, ये देखिए अलग अलग प्रकार से शो किया गया है, फिर ये हाफ सर्कल है, फुल सर्कल है. ओके फ्रेंड्स, तो फिर इसके बाद है स्पाइरल और वेव. तो टाइप्स ऑफ लाइन में इतनी ही लाइंस हैं फ्रेंड्स. और अब हम इसके आगे जो डिजाइन डेवलप करेंगे इन्हीं के थ्रू आगे बढ़ाते हुए हम इन्हीं लाइंस के थ्रू हम डिजाइन शो करेंगे. तो फिर इसके अंतर्गत आता है डिजाइन वाइज, सेकंड उसका जो ग्राफ था. तो डिजाइन वाइज में हॉरिजॉन्टल लाइंस में ये डिजाइन शो की गई है फ्रेंड्स, उसके बाद वर्टिकल लाइंस में ये डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन में यूज़ किए गए हैं, उसके बाद ये डायगनल लाइंस में ये डिजाइन शो की गई हैं, फिर जिग-जैग पैटर्न में फ्रेंड्स ये देखिए इसकी डिजाइन को शो किया गया है, उसके बाद ये वेव पैटर्न में ये डिजाइन शो की गई है जो हम अपने क्लॉथेज में, अपनी बेडशीट में, कुशन कवर में, और जो भी कपड़े हम पर्दे वर्दे यूज करते हैं उनमें सब में ये डिजाइन टेक्सटाइल मिल्स के थ्रू दी जाती हैं. डिजाइन को सेलेक्ट करना और बनाना डिजाइनर्स का काम होता है, और इनको सेलेक्ट करके कपड़ों में उतारना टेक्सटाइल मिल्स में ही होता है ये काम. ये देखिए फ्रेंड्स, ये फुल सर्कल है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए सो ब्यूटीफुल. और इसके बाद ये है हाफ सर्कल में ये डिजाइन शो की गई है फ्रेंड्स, इसके बाद ये स्पाइरल डिजाइन है, और इसके
उसके बाद स्क्वायर शेप में, स्क्वायर लाइंस में ये डायमंड डिजाइन शो की गई है फ्रेंड्स। डायमंड शेप जो कार्बन का प्रतिरूप होता है, जिन्होंने साइंस की पढ़ाई की होगी, ये उन्हीं के आधार पर मैंने डिजाइन चूज किया था। उसके बाद ये ब्रोकन लाइन को चूज करके ये डिजाइन सेलेक्ट की गई है फ्रेंड्स। इसके बाद डार्ट प्रिंट की ये डॉल एंड हैट का सेट दिया गया है। फिर उसके बाद सिंगल लाइंस का यूज करके ये रोज एंड बेबी रोज बैग की डिजाइन मैंने सेलेक्ट की है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने इस वीडियो में सिर्फ टेक्सटाइल पार्ट 3 के 2 ही टॉपिक्स को कवर किया है, और आगे मैं इसके आगे की वीडियो में फिर आपको बताऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में फैशन डिजाइनिंग की 1 ईयर्स के कोर्स के टेक्सटाइल पार्ट 3 की बात की है, जिसमें मैंने 2 टॉपिक्स को कवर किया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।